कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद बलरामपुर जनपद के दौरे पर हैं। निषाद आज बलरामपुर जनपद के यूपीटी सभागार में अपने मत्स्य विभाग के अधिकारियों एवं लाभार्थियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया तथा संबंधित अधिकारियों को मत्स्य विभाग और दुरुस्त करने को निर्देशित किया। निषाद ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, किंतु व्यापक प्रचार प्रसार न होने के चलते सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको लेकर मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 15 दिन योजनाओं के लाभ के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया है। हर जिले स्तर पर कार्यक्रम लगा है और और 16,000 लाभार्थियों हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मत्स्य योजना में प्रधानमंत्री 16,000 लाभार्थियों को यूपी में 16,000 और अभी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद पूछा कि पहली बार है दिल्ली में तो 20,000 करोड़ रुपये देश के लिए ही था, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री संपदा योजना मुख्यमंत्री निषाद मुख्यमंत्री संपदा योजना निषादनाथ कोट योजना के इनको बिजली की दी गई उत्पादन क्षेत्र के अंदर इनको सब्सिडी पर लाभों को देने की योजना। सबसे महत्वपूर्ण बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पहली बार 17 साल से जो मथुरा संपदाय गठित था उसे लिए मथुरा कल्याण कोष की स्थापना की है, जिनके बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिल जाए, ये भी विकास की धारा से जुड़ जाए, जितने भी बच्चे कोचिंग करके पढ़कर लाइब्रेरी बना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।